बसंत बिहार गांव की लगभग सारी जमीन सूख चुकी थी। उसमें खेती नहीं होती थी। उस गांव में हरिया नाम का किसान था। खेती ना होने की वजह से गृहस्थी में बहुत तंगी थी। किसी तरह बस चल रही थी। हरिया की पत्नी भी काफी परेशान थी। रोज हरिया के साथ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। अरे खाना दोगी या उठ जाऊं मैं? ये क्या, सिर्फ चावल और सब्जी? मैं किसी तरह से ये साग चुनकर बनाकर लाई हूँ तो जाकर भात के साथ खाने को मिल रहा है, वरना आज भात पानी के साथ ही निगलना पड़ेगा। ओहो, तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर मेरा पेट भर चुका है। अगर चावल नहीं लेकर आए तो कल से मेरी कड़वी बातें सुनने के बाद पानी पीकर अपना पेट भर लेना। धत तेरी की लानत है। नसीब नसीब, मेरा नसीब अच्छा होता तो ये सुनना ना पड़ता। धत तेरी की। अरे बाप रे, सूरज कैसे चमक रहा है, तूने देखा रिया? आज बहुत तेज धूप हुई है। चाचा जी, इस बार क्या बारिश नहीं होगी? जमीन सूखकर फट चुकी है। क्या पता, आसमान में तो बिल्कुल भी मेघ नहीं है। इसी तरह ना जाने और कितने दिन गुजारने होंगे। ये तुम ले जाओ। ये क्या है? कुछ नहीं, बहू ने पक्की हुई इमली मंगवाई थी ना, जाकर उसे दे देना। अच्छा। हरिया की पत्नी ने जो इमली के बीज खाकर फेंके थे उससे उनके आंगन में इमली का पौधा उग गया। वाह वाह, ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अगर इसमें इमली फलने लगे तब तो उसे खाकर मजा ही आ जाएगा। कच्ची इमली तो कितनी खट्टी होती है। ओ जाइए जरा पेड़ पर चढ़कर मुझे थोड़ी सी इमली तोड़ कर दीजिए। कच्ची इमली की खट्टी चटनी बना दूंगी। जी सुनते हो? अरे ये क्या है? क्यों, ये तो इमली है। अरे नहीं, इसे अच्छे से देखिए, इमली के अंदर ये क्या चमक रहा है? अरे ये तो हीरा है। क्या सच में हीरा है? तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तुम सारी इमलियां तोड़ कर देखना। सुनिए, हमारी तो किस्मत ही बदल गई जी, सभी इमलियों में हीरा है। अब क्या होगा जी? ओहो, शोर मचाकर लोगों को बता दोगी क्या? चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अच्छा सुनिए, एक हीरे की कितनी कीमत हो सकती है? अरे मुझे कैसे पता होगा, हमारा क्या कोई हीरो का पेड़ था? अरे नहीं था, लेकिन अब तो है। चलो जाइए जाइए जाइए, अगर ये बात फैल गई तो पेड़ पर भी इमली नहीं बचेगी। आप जाइए, मैं एक टोकरी लेकर आती हूँ। फेंकिए फेंकिए, आराम से फेंकिए। धत तेरी की, आराम से नहीं फेंक सकते। अगर इमली फट गई तो हीरा टूटकर बाहर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। भाग्यवान, इमली खत्म हो गई। अच्छी तरह से देखिए। नहीं है, नीचे उतर जाओ। नहीं, वहाँ पर बैठकर पत्ते गिनिए। नीचे उतर जाओ पागल। जी सुनिए, सब बर्बाद हो गया है। सुनिए तो सही।
सुबह सुबह क्या रो रही हो तुम? इमली का पेड़ जड़ से उखड़कर धरती पर गिर गया है जी। अरे हाँ, सच में? अरे रे, अभी तो हमारे घर में खुशी आई थी, वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अब क्या होगा भाग्यवान? हाँ, आपसे ज्यादा बुद्धि तो मेरे पास है। सुनिए, उस इमली के पेड़ की डाल लेकर उसकी कलम बनाइए और नया पेड़ लगाइए जी। लेकिन इमली के पेड़ की तो कलम नहीं होती। नहीं होती है ना? अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए। अच्छा हुआ कि मैंने ये बीज संभाल कर रखे थे। लीजिए लीजिए लीजिए, इसे रोप दीजिए। इसे जरा दीवार से दूर लगाइएगा ताकि कोई भी इमली तोड़ ना पाए। तुमने सही कहा भाग्यवान, मैं जाता हूँ जाता हूँ। तुम जरा पानी ले आओ। फल गए फल गए फल गए फल गए फल गए, पेड़ पे फल फल गए। ओ हरिया बहू, इस तरह नाच क्यों रही हो? अरे कहाँ 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 कहाँ, नहीं 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 तो मैंने देखा है ताली बजा बजा कर नाच रही थी। कौन से फल फले हैं? फल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो मैं इमली खाने के लिए खुश हो रही हूँ। सच में तुम्हारी ये इमली खाने में इतनी खट्टी है कि मजा आ जाता है। चलो हम लोग चलते हैं। ओह जुबान फिसल गई। नहीं नहीं, अब से सावधान रहना पड़ेगा। अजी सुनते हो? अच्छी तरह तोड़ कर देखिए, आप तो इसमें बिल्कुल माहिर हैं। अरे मैंने एक एक करके सबको तोड़ कर देख लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हीरा नहीं है? नहीं है। हाँ? हमने उसी पेड़ के बीच से पौधे उगाए थे ना? उगाए थे। लेकिन हीरा नहीं फला है ना? नहीं फला। इसका मतलब वहाँ की मिट्टी में ही कुछ तो है, जांच करनी होगी। किस चीज की जांच करोगे? मिट्टी खोदकर जमीन की। जाओ जाकर कुदाल लेकर आओ, जाओ। खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, और गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, और भी गहरी। भाग्यवान, मैंने जो सोचा था वही हुआ। क्या हुआ? ये देखो। अरे वाह, ये तो वही इमली के पेड़ वाले हीरे हैं। अब हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे।